गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस बेटा, हमारा चैप्टर टू स्टार्ट कर दिया था हमने, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस 2016। और हमने उसमें से रीड करा था बेटा डाटाबेस एंड डीबीएमएस एंड डाटाबेसेस और उसकी एडवांटेज और उसका इंट्रोडक्शन। ओके बेटा, आज हम क्लास में करेंगे ऑब्जेक्ट इन एमएस एक्सेस, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016। यस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज वन ऑफ द पॉपुलर डीबीएमएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉरी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो एक पॉपुलर डीबीएमएस एप्लीकेशन है। ओके, इट लेटेस्ट वर्जन इज एक्सेस 2016 और इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा बेटा 2016। इट इज अ रिलेशनल डाटाबेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इसमें क्या होते हैं, रिलेशनल डाटाबेस होते हैं जो एक टेबल में स्टोर्ड होते हैं। अ रिलेशनल डाटाबेस यूजेज मल्टीपल टेबल्स टू ऑर्गेनाइज डाटा एंड क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स टू रिलेटिव डाटा। और जो ये टेबल होती है, ये रिलेशनशिप्स होती हैं इनमें रिलेटिव डाटाज में, क्योंकि डीबीएमएस कौन सा होता है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम वर्क करते हैं। यस, ईच स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ टेबल इज कॉल्ड वैल्यू। और इस टेबल में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, उसे बोलते हैं वैल्यू। अ वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो। और ये जो वैल्यू होती है, जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है सेल, उसमें क्या होती है, स्टोर्ड होती है। द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ टेबल इज द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। और वैल्यूज की टोटल कैसे निकालते हैं बेटा, द नंबर टेबल इज द नंबर ऑफ रोज एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ कॉलम, यानी टेबल में जितनी रो हैं और उस जितने कॉलम हैं उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। देखिए इस तरीके से रो एंड कॉलम्स होते हैं, देखिए इसमें कितनी रो है बेटा, 1 2 3 4, 4 रो है और अपने कॉलम कितने हैं, 4। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 16, तो कितनी आ गई वैल्यू इसकी, 16। यस बेटा, ऑब्जेक्ट इन एमएस एक्सेस, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एमएस एक्सेस आर डिस्कस बिलो। देखिए अब जो मेन ऑब्जेक्ट होता है एमएस एक्सेस का, उसका डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले आता है टेबल। अब एमएस एक्सेस किस फॉर्म में होता है, टेबल्स इन एक्सेस आर आल्सो नाउ एज रिलेशन। अब देखिए इस टेबल में रिलेशन होता है, देखिए जैसे हमें किसी कस्टमर का नेम, उसकी एज, उसका डेजिनेशन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी सैलरी, उसका आईडी नंबर, ये सारे क्या हैं, किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेबल फॉर्म में उसे मैनेज करते हैं। नाउ एज रिलेशन द डाटा स्टोर्ड यूजिंग टेबल इज इन द फ्रॉम रो एंड कॉलम। अब देखिए इस एम्प्लॉय का हमने क्या करा है, रिकॉर्ड एक रो में कंप्लीट करा है, यानी उसका हमने फर्स्ट कॉलम में उसका सीरियल नंबर, उसका नेम, उसकी डेजिनेशन, उसकी एज, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी सैलरी, ये सारा हमने क्या करा है, एक रो में उसका रिकॉर्ड रखा है। यस, नेक्स्ट क्वेरीज, द क्वेरीज आर यूज टू फाइंड एंड वर्क ऑन द डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल एज पर द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। और जो क्वेरीज होती है स्पेसिफाई यूज़र की, हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देखिए जैसे मुझे नंबर 5 पर कैंडिडेट है अमन का क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगी, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं, मैं ए वाले ऑप्शन पर जाऊँगी जहाँ पर ए नाम के एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से मैं क्या कर दूँगी, अमन पर क्लिक कर दूँगी और अमन एक्सेस हो जाएगा। यानी इसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बेटा SQL और क्वेरी, तो उसमें प्रोग्रामिंग में हम बस क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी लिखने के बाद वो डायरेक्ट हमें उस कॉलम पर पहुंचा देता है। यस, फ्रॉम वन और मोर टेबल्स एज पर द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। अब आता है फॉर्म्स, द फॉर्म्स इन एक्सेस प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर द यूज़र दैट लेट्स देम एंटर एंड चेंज द डाटा इन द टेबल। और फॉर्म की हेल्प से क्या करते हैं, हम जो भी हमने टेबल क्रिएट करी है उसमें डाटा को हम चेंज कर सकते हैं। ये किसकी हेल्प से होता है बेटा, फॉर्म की हेल्प से। यस, अब जो भी हमने डाटा क्रिएट करा है उसकी रिपोर्ट होगी हमारे पास, तो रिपोर्ट्स द यूज़ ऑफ रिपोर्ट्स इन एमएस एक्सेस टू डिस्प्ले द डाटा स्टोर्ड इन द फॉर्मेट दैट इज़
प्रोफेशनल सो दैट इट कैन बी प्रिंटेड। और जो भी हमने डाटा एक्सेस में स्टोर करा है उसकी एक रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट को हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हैं और हार्ड कॉपी में, तो हम उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो वो पूरी रिपोर्ट हमें पेपर्स पे क्या आ जाती है, हम प्रिंट लेकर उस पूरी रिपोर्ट को हार्ड कॉपी में भी रख सकते हैं। यस बेटा, अब देखिए स्टार्टिंग एमएस एक्सेस। अब एमएस एक्सेस स्टार्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि एमएस एक्सेस में वर्क क्या करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, कैसा उसका फॉर्मेट होता है, ये सब रीड करा है हमने। तो अब हम देखेंगे एमएस एक्सेस ओपन कैसे करते हैं। यस, स्टार्टिंग एक्सेस इज वेरी इजी, लेट अस लर्न दिस स्टेप बाय स्टेप। इसको भी ओपन करना बहुत ईजी है, जैसे ही हम एमएस ऑफिस को ओपन करते हैं एमएस ऑफिस के बाद एमएस वर्ड को, उसी तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। यस, स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर। स्टार्ट बटन कहाँ होता है बेटा, टास्क बार में राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन होता है। देखिए जैसे आप डेस्कटॉप पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर होता है स्टार्ट बटन, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिस्ट आएगी, इसमें आएगा ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद स्टेप थ्री में देखिए, नाउ क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। और ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे फिर एक सब लिस्ट ओपन होगी, उसमें लिखा होगा एमएस ऑफिस 2016, जो भी आपके कंप्यूटर में वर्जन है। देखिए जैसे किसी के में 10 भी है, किसी के में 7 भी है, 13 भी है, अभी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो 16 है। तो यहाँ पर हमें 16 की स्टडी की है हमने, तो हम एमएस ऑफिस 2016 पर क्लिक करेंगे फिर एक सब लिस्ट ओपन होगी और उसमें आएगा एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, एमएस एक्सेल। तो हमें किसे सेलेक्ट करना है, एमएस एक्सेस को, एंड सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विल नाउ ओपन। और ऐसे फिर क्या हो जाता है, एमएस एक्सेस ओपन हो जाता है। देखिए इस तरीके से ओपन होता है, मैं आपको बता रही थी ना कि एक्सेल की शीट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमें खुद को क्रिएट करना है। देखिए एक कॉलम का हमने एक फील्ड है, इस फील्ड को हमने क्रिएट करा है, हम नेक्स्ट फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फील्ड्स को क्रिएट करेंगे, जितने फील्ड हमें नीड है उतने क्रिएट करेंगे। तो बेटा हमने ये एम एस एक्सेस को आज ओपन करना, उसमें क्या किस फॉर्मेट में एम एस एक्सेस होता है ये सारा रीड करा है। नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे क्रिएटिंग डाटा बेस। तो आप इसे रीड करना बेटा, थैंक यू।